आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बेंगलुरु में हुए घटनाक्रम के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपा है। निकल जाते हैं भैया और गए बनाई तब ना सब और पीछे से थोड़ा सा। जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करते हुए कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में बंधक बनाए गए विधायकों से जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित मंत्री विधायक पहुंचे तो उनको मिलने नहीं दिया गया और उन्हें भी बंधक बना लिया गया। तड़का मच जाएगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। फोटो अलग खींचे पीछे ऑटो पर लाइट आ रहे थे। आरोप है कि पूर्व में भी कांग्रेस के मंत्री व विधायक जब वहां गए तो उसी तरह की कार्रवाई बेंगलुरु पुलिस के द्वारा भाजपा के इशारे पर की गई थी। यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस के विधायकों को तत्काल रिहा करवाया जाए व भाजपा के इस घृणित कृत्य के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेरी सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 राम मोदी हाय 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 हाय, राम मोदी हाय 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 हाय। जो भाजपा के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ और जो हमारे विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है, जिसके लिए गृह मंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से और राज्यपाल सभी से आग्रह किया गया कि हमारे विधायकों को छुड़ाया जाए। जब हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ बेंगलुरु में गए, वहाँ पर उनको भी बंधक बनाया गया और उनके साथ वह सब किया गया जो कि एक विशिष्ट अतिथि के साथ नहीं किया जाता है। यहाँ से हमारे बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे विधायक थे। हम लोग राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए हैं, हमारे विधायकों की सुरक्षा की जाए और विधायकों को तत्काल रिहा कराया जाए और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की जाए।